पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने श्री चमकौर साहिब सीट से नामांकन पर्चा भरा। दो सीटों से लड़ रहे हैं चन्नी, कल भदौड़ सीट से नामांकन किया था। पंजाब में अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया अब सिर्फ एक सीट अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। मजीठिया सीट पर उनकी पत्नी लड़ेगी चुनाव। सिद्धू ने मजीठिया को सिर्फ एक सीट अमृतसर से लड़ने की चुनौती दी थी। इतना ही दम है, इतना ही भरोसा है लोगों के ऊपर, फिर छोड़ मजीठा ते आ कल्ला लड़। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ करहल सीट से उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार ज्ञानवती यादव का टिकट वापस लिया। मथुरा के प्रचार में बोले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, कहा जनता इस बार चुनाव में बीजेपी की चर्बी उतार देगी। नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह कंग अपने दो बेटों के साथ केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। यूपी कांग्रेस दफ्तर में कुछ लोगों ने कन्हैया कुमार पर फेंकी स्याही। कन्हैया कुमार लखनऊ सेंट्रल में प्रत्याशी सदब जफर के नॉमिनेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। हिंसा जो है होती है, हम इसको नजरअंदाज करते हैं। नजरअंदाज इसलिए करते हैं ना कि हमारी संस्कृति में ये सिखाया गया है कि मारने वाला हमला करने वाला से माफ करने वाला बड़ा है। झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खदान में हादसा, 10 से ज्यादा मजदूर फंसे, 5 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में शोपिया में पुलिसकर्मी पर आतंकियों ने फायरिंग की। घायल पुलिसकर्मी शबीर अहमद मस्जिद में नमाज पढ़कर लौट रहे थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। मुंबई में कोरोना के मामले कम होने के बाद नाइट कर्फ्यू हटाया गया। रेस्टोरेंट और थिएटर 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। देश में नए कोरोना केस का आंकड़ा और कम हुआ। कल 1,67,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि कोरोना से कल 1,100 से ज्यादा लोगों की जान गई। आईपीएल ऑक्शन की फाइनल लिस्ट तैयार हो गई है। इस बार 590 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। इनमें 370 भारतीय हैं और 220 विदेशी खिलाड़ी। 12 से 13 फरवरी के बीच होगी नीलामी। दिल्ली के पास नोएडा में पूर्व आईपीएस रामनारायण सिंह के घर पर लगातार तीसरे दिन छापेमारी। बेसमेंट में लॉकरों से करोड़ों के नकद मिलने का दावा। काली संपत्ति का आकलन जारी। ABP News, आपको रखे आगे।